नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। वैसे अगर आपको भी अपने करियर की ज्यादा फिक्र इसलिए सता रही है क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं और आपको लगता है कि एक फ्रेशर को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आसानी से नहीं मिल पाती है, तो इस थॉट को यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स एक बार फिर से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है। अप्रैल मंथ में अपने हायरिंग चैलेंज जॉब अथॉन 8 के थ्रू, जो 21 अप्रैल को 8 PM से 10:30 PM तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इस 2 घंटे 30 मिनट लॉन्ग हायरिंग चैलेंज के जरिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को एक से ज्यादा कंपनीज की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज का ऑफर मिल सकेगा। ये कॉन्टेस्ट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जो फ्रेशर या इंटर्न जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में 6 कंपनीज पार्टिसिपेट करने वाली है और अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फ्रेशर्स को हायर करने वाली है। जॉबिथॉन 8 में शामिल होने वाली कंपनीज है NEC कॉरपोरेशन, वॉकओवर, सुपर के, हेड स्ट्रेट, मॉर्निंग गेज और डिजिट इंश्योरेंस। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उन एक या ज्यादा कंपनीज में रजिस्टर करना होगा जिनमें जॉब करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। इससे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक बार जब आप कॉन्टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा, और इसके बाद आपकी प्रोफाइल को केवल एक ही कंपनी के लिए कंसिडर किया जाएगा, और ये एक कंपनी उन्हीं कंपनीज में से एक होगी जिनके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा है। यहाँ तक की बात तो आप समझ ही गए हैं, है ना? तो आगे अब इस हायरिंग चैलेंज के इंस्ट्रक्शंस भी समझ लेते हैं। इस कॉन्टेस्ट में 4 पार्ट्स है जिसके टोटल 175 मार्क्स है, जिनमें 3 कोडिंग और 15 क्विज क्वेश्चंस इंक्लूड है। और ये 4 पार्ट्स हैं: पार्ट 1, 3 DSA कोडिंग प्रॉब्लम्स जिनके 100 मार्क्स है, पार्ट 2, 5 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन प्रोग्रामिंग लॉजिक जिनके 25 मार्क्स है, पार्ट 3, 5 MCQ ऑन लॉजिकल रीजनिंग जिसके 25 मार्क्स है, और पार्ट 4, 5 MCQ ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इनके भी 25 मार्क्स है। तो ये तो हुआ कॉन्टेस्ट का पैटर्न। अब आपको ये भी बता देते हैं कि DSA प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्टिंग लैंग्वेजेस C++, जावा और पाइथन है, और हर सबमिशन को GFG के क्रिटिकल टेस्ट डेटा के बेस पर टेस्ट किया जाएगा। हर रॉन्ग सबमिशन पर 5% पेनल्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक प्रॉब्लम 100 मार्क्स की है और एक पार्टिसिपेंट ने एक रॉन्ग सबमिशन किया है, तो उसके मार्क्स रिड्यूस होकर के 95 रह जाएंगे, और दोबारा अगर सेम प्रॉब्लम के लिए रॉन्ग सबमिशन होगा तो पार्टिसिपेंट के मार्क्स 90.25 रह जाएंगे। इसलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप हर सबमिशन से पहले सैंपल टेस्ट केसेस के अगेंस्ट कंपाइल एंड टेस्ट का यूज करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस जॉबेथॉन में केवल इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ही अलाउड है, और स्पेसिफिक कंपनीज अपने क्राइटेरिया के बेस पर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग करेगी। तो दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हमने आपके साथ शेयर कर ही दिए हैं, लेकिन आप तो पार्टिसिपेंट है, इसलिए आपको डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ लेना चाहिए। और इसके लिए आप गीक्स वो गीक्स के कॉन्टेस्ट पेज पर जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो गीक्स फॉर गीक्स के सैंपल गीक्स चैलेंज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि इस कॉन्टेस्ट के लिए आप तैयार हो सके और गीक्स फॉर गीक्स के कोडिंग एनवायरनमेंट से भी फेमिलियर हो जाएं। तो बस फिर देर किस बात की, जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है। एक फ्रेशर होते हुए एक से ज्यादा कंपनीज की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी, इसलिए जल्दी कीजिए और खुद को जॉबेथॉन 8 के लिए अभी के अभी रजिस्टर कर लीजिए। और हाँ, ये जॉबेथॉन एक रेपिटेटिव इवेंट है जो हर महीने की 21 को ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए अपडेट्स को ट्रैक करते रहिए और कोई भी मौका हाथ से जाने मत दीजिए। वैसे अगर आपको इनमें से कोई भी पेड कोर्स परचेज करना है गीक्स फॉर गीक्स से, तो आप क्विक 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर वीडियो ने आपकी काफी मदद की है तो लाइक ऑलरेडी कर दिया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ये फायदा सबको मिलना चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए, ऐसी जानकारियों के लिए जो आपको दे ढेर सारा बेनिफिट, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें। धन्यवाद।